चलो फिर लास्ट वाले इसमें हम लोगों ने डी ब्लॉक खत्म कर दिया था राइट. सो डी ब्लॉक हमने करा कि दे आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और जब हम लोग ग्रुप 3 से लेके 12 तक पढ़ते हैं उसमें सारा डी ब्लॉक आता है व्हिच इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है. एंड ऑल्सो वी स्टडीड कि देयर आर 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज एंड 6D सीरीज. जब हम 5D और 6D सीरीज पढ़ते हैं तो उसपे हम लोग फर्स्ट मेंबर से पहले 14 एलिमेंट्स जो है वो F ब्लॉक के बनेंगे जिसमें द लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू एंटर इनटू F. सिमिलरली जब हम 60 सीरीज पढ़ते हैं तो उसपे पहले हम लोग 5F के एलिमेंट्स को या 5F जो जिसको हम एक्टिनॉइड सीरीज बुलाते हैं उसको हम फिलअप करते हैं. ठीक है. सो व्हेन वी टॉकिंग ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स, सो F ब्लॉक एलिमेंट्स में द सेम डेफिनेशन दैट द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द F सबशेल. F has how many orbitals? It has 7 orbitals. Therefore, it can accommodate 14 electrons. As a result of which, there should be 14 elements which is present in each of the series. Now, this series, the F block that is placed below the main periodic table because there's no space in the periodic table to accommodate all these elements, all these two series. So, they are placed at the bottom of the main body of the periodic table and we are going to study over here two series, one which is known as the lanthanoid series in which we are going to progressively fill up 4F and the actinoid series in which we are going to fill up 5F. ठीक है. अब जो 4F वाली series है because उसका first member lanthanum है that is why it is known as lanthanoid series. और जो second series है उसका first member actinium है इसलिए उसको हम actinoid series बुलाते हैं. ठीक है. So when we are talking of the general electronic configuration N minus 2, F 1 to 14, D 0 or 1, sorry, N minus 1 D 0 or 1 and NS 2. This is going to be the general electronic configuration of this series. So, if you are filling up 4F, as I just told you, they are going to be known as lanthanoids. ठीक है. So इस वाले ग्रुप की जो general electronic configuration होएगी that is going to be 4F 1 to 14 5D 0 or 1 and 6S2. The first member in this series that is lanthanum, right? The second one that is cerium. सारे हमको करने नहीं है but still the third one that is known as praseodymium, the fourth one ND which is known as neodymium, फिर उसके बाद आ जाता है PM promethium, ठीक है promethium, फिर उसके बाद आ गया SM which is samarium. So we are just going to do a few of them just to tell you कि electronic configuration किस तरह से यहाँ पे हम लोग fill up करते हैं. This is europium. और फिर उसके बाद हमारे पास आ गया गैडोलिनियम GD. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो फर्स्ट वाले की है दैट इज गोइंग टू बी ज़ीनॉन 4F0. ओके. नाउ इन दिस केस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द F. वी हैव 5D1 एंड 6S2. दिस इज द रीजन कि जब हम लोग लैंथेनम पढ़ते हैं तो वी ऑल्सो स्टडी इट विद द 5D series. ठीक है. We take it as the first member of the 5D series because there is no electron present in F over here. Okay. फिर उसके बाद जब हम next में जाएंगे, we have xenon 4F1, 5D1, 6S2. ठीक है. उसके बाद जब हम next में जाते हैं, तो यहाँ पे 4F2 आना चाहिए, but it is seen कि one of the electrons from D ने jump to this to give us this electronic configuration. We will do the reason just now. ठीक है. फिर उसके बाद जब आप next पे चलो चले जाओगे 16. So 16 में हमारे पास क्या आ जाएगा? Again success 2, right? और फिर उसके बाद we go to the next one 4F5. ठीक है.
और ये सिलसिला चलता रहेगा टिल वी रीच व्हिच ग्रुप वी रीच द नेक्स्ट वन दैट इज 4x6 6s2 ठीक है फिर उसके बाद जब हम यूरोपियम में जाते हैं इन केस ऑफ यूरोपियम नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बिकम स्टेबल 4f14 5d0 5d0 एंड 6s2 ओके अब यहां पे सॉरी 14 ही 7 अब यहां पे आप देख रहे हो कि ये हाफ फिल्ड है देयरफॉर इट इज गोइंग टू हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी इस तरह से लिखते हैं फिर नेक्स्ट वाले में जब हम जाते हैं दैट इज गैंडोलोनियम इन दिस नाउ अगेन टू गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज पुट इन 5d1 एंड 6s2 सो देयर इज नॉट यू कैन से कि देयर इज नॉट अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओवर हियर डी से जो इलेक्ट्रॉन है दे मे जंप टू एफ ओके और एफ से जो इलेक्ट्रॉन है दैट मे जंप टू डी दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच वी आर टेकिंग ओवर हियर इज फ्रॉम 0 और 1 ठीक है क्लियर हो गया Now, energies of d orbital जो होते हैं और next f orbital होते हैं that is comparable, almost the same. इसलिए this jumping of electron that can take place. Okay? We go on to the second property of this group. ये हमने electronic configuration करी. The second property that is oxidation states. When we doing the oxidation state, जो सबसे common oxidation state है इसकी That is +3. +3 is the most common oxidation state. But we see that cerium exhibits an oxidation state of +4. So if you're going to the electronic configuration of cerium over here, अगर ये चार electrons lose करेगा, it will attain a noble gas configuration. Therefore, cerium की जो more common या more stable oxidation state है, that is going to be +4. Similarly, when we are going to terbium, terbium also exhibits an oxidation state of +4. When we are looking at the electronic configuration of terbium, the electronic configuration will be 4F9, 5D0, 6S2. ठीक है अगेन जब ये चार लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो Tb4 पॉजिटिव की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज गोइंग टू बी ज़ीनॉन 4F7 5D0 6S0 ठीक है सो ये भी हाफ फिल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ को जा रहा है तो इससे Tb4 पॉजिटिव दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ सिमिलर मैनर व्हेन वी आर गोइंग टू यूरोपियम एंड ईटर्बियम Europium and ytterbium. Europium जो है, it exhibits a more stable state of +2. ठीक है? उसी तरह से ytterbium also it exhibits a oxidation state of +2. This again is according to the electronic configuration. So if you're looking at europium की electronic configuration, 4f7 5d0 6s2. तो अगर ये two electrons lose करता है It will attain a half-filled stable electronic configuration of 4F7. So, इसलिए ये +2 oxidation state show करेगा. Now, when we go into the electronic configuration of ytterbium, it is xenon 4F14 5D0 6S2. In this case, again you can see कि if it will lose these two electrons, it will attain a fully filled stable electronic configuration of 4F14 तो इसलिए ytterbium +2 oxidation state exhibit करता है ठीक है the reasons are same which we have done in D block okay तो यही reasons रहते हैं फिर उसके बाद lanthanum and gadolinium and lutetium exhibit only +3 oxidation state lanthanum +3 lutetium +3 and gadolinium also only +3 राइट लैंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलो आप तो 2 और ये 1
करेगा, 4F0 हो गया, it will attain the nearest noble gas configuration at +3, ठीक है? फिर उसके बाद lutetium is the last member, lutetium की जो electronic configuration है, that is xenon 4F14-5D16S2, ठीक है? So again over here, if it will lose both of these, fully filled, it will attain a fully filled electronic configuration, इसलिए +3. फिर यहाँ से देखो हमारे पास इसकी electronic configuration है, तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगी if it loses 3 electrons. Okay? So this is the reason. फिर उसके बाद जो next हमारे पास आते हैं, that is the ionization energies. The third ionization energies. Now, when we are comparing the first ionization energies, they are very low. They are of the order of 600 kilojoules per mole only. That is because of poor shielding effect of the F electrons. Outermost ko wo shield nahi kar pata hai. As a result of which, what is going to happen? And also the size is going to be very very large. Almost it has the largest sizes. Shielding effect ka itna zyada effect nahi rahega. Because basically hum kya bolte hain ki ionization energy it is shielding effect se it is more the shielding effect. Less is going to be the ionization energy. Inversely proportional ki directly proportional. अगर shielding effect ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? कि outermost जो electrons हैं, वो उस तक nuclear charge नहीं पहुँचेगा, कि पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। अगर shielding effect ज़्यादा है, तो nuclear charge बाहर तक नहीं पहुँचता है, और हम electron को easily remove कर सकते हैं, ठीक है? Whereas अगर shielding effect कम है, तो in that case जो nuclear charge है, वो outermost तक पहुँचेगा। and hence उनको हम remove नहीं कर सकते, so shielding effect is inversely proportional to ionization energies. So as the shielding effect over here that is going to be poor, as a result of which electrons can be easily removed, so the ionization energy that is going to be low. ठीक है, D से भी poor होता है इसका F block का. Clear हो गया? Where जबकि ionization energies जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा irregularities हैं in the electronic configuration, so all those which have fully filled, half filled electronic configuration, they are going to have extra ionization energy. ठीक है? But जब हम first, second और third ionization energy compare करते हैं, जैसे हम lanthanum में चले गए, तो इसकी first ionization energy और third ionization energy में बहुत ज़्यादा gap है. क्योंकि third ionization energy का मतलब क्या हुआ? The electron now has to be almost removed from a noble gas configuration. So third electron जो यहाँ से remove होगा, that will be with great difficulty. ठीक है? Same is the highly low value. Same is the case of lutetium. Lutetium की electronic configuration हमने ये करी है. So यहाँ पे जो third electron हमको remove करना है, वो सबसे easiest होगा. क्यों? क्योंकि it will attain the nearest noble gas configuration या fully filled electronic configuration. Have you understood? So when we are talking of lanthanum, we are talking of lutetium, or we are talking of gadolinium. In all these three cases, the third ionization energy that is going to be exceptionally low, कम होगी. Okay? Because third electron निकालने के बाद, it will attain stable electronic configuration. Therefore, it has low values. So this is one question which we can get. Then the fourth property is color. Now, as we had done in, we have done in D block, as we have done in D block, color jo tha, that was due to either presence of empty d orbitals or due to presence of electrons which were present. ठीक है? So यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे F block जो है, उसमें F orbitals खाली होने चाहिए to show color, या F में electrons होने चाहिए to show color. ठीक है? So जैसे हमने DD में DD transitions करी थी, these are known as FF transitions. So in case of lanthanum, you can see that there is no electron present in F. Therefore, Na3 positive के जो salts होंगे,
they are going to be colorless. ठीक है. Similarly, when you are going to lutetium, lutetium की electronic configuration आप देखो, 3 positive, fully filled 4F, 14, therefore this is also going to be colorless. ठीक है. So the same reason we are talking of over here, rest all they are going to be colored. ठीक है. फिर number 5, magnetic properties depend upon the pairing of electrons. On the basis of that, हम लोग diamagnetic substances और paramagnetic substances को classify करते हैं. Diamagnetic कौन से हुए? Those substances which have paired electrons, right? And paramagnetic कौन से हुए? Those have unpaired electrons. So same is going to be followed over here. More the number of unpaired electrons, more is going to be the paramagnetic character. ठीक है. सो सेम ही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए. देन वी हैव द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज केमिकल रिएक्टिविटी. जब हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी इसकी करते हैं, वी से दैट लैंथेनॉइड्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ड्यू टू लो वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज. सो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को हम इजिली रिमूव कर सकते हैं. Therefore, they can behave as highly electropositive. Now, because of their very, you can say, ionization energies में ज़्यादा फ़रक नहीं होता है, because size में ज़्यादा फ़रक नहीं होगा due to lanthanoid contraction. तो इसलिए chemical reactivities के basis पे it becomes very different to segregate or to separate one F block element from the other. मतलब हम categorize नहीं कर सकते कि chemical reactivity जैसे आप P block में करते हो कि केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज कर रही है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जैसे एल्कली मेटल्स में हम करते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है. ठीक है. या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी सेम, तो सोडियम और पोटेशियम दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव. वैसे हम यहाँ पे एफ ब्लॉक में नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव मच डिफरेंस इन द आयनाइजेशन एनर्जीज. हेंस वी कैन नॉट पिन पॉइंट की विच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक दे आर गोइंग टू बी मोर reactive and which are going to be less reactive. ठीक है. Now इसमें otherwise अगर हम लोग देखें तो we say that all the lanthanoids they are going to be soft, right? Because जो इसमें bonding होती है intermetallic bonding होती है that is going to be weak. Whereas हमने D block में क्या करा था कि they are very hard because they have strong intermetallic forces of attraction because of unpaired electrons. ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे electronic configuration is not very well defined तो उसकी वजह से हम लोग इंटरमेटालिक फोर्सेस को भी बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते. सो मोस्टली इट इज सीन दैट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर गोइंग टू बी और मेटल्स दे आर गोइंग टू बी सॉफ्ट. ठीक है. एंड दे टार्निश इजिली. टार्निश का मतलब क्या होगा कि जैसे वो एक्सपोजर टू एयर आते हैं दे बिकम ब्लैक इन कलर, right? So they can easily give away their luster and they become black in color, that is tarnishing. Now second is that hardness of, जैसे हमने बोला ये soft है but still जो higher members होते हैं जिनका atomic mass ज्यादा होगा उसकी जो hardness है that increases with increase in atomic number. ठीक है. वही सेम हो गया, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी ही हार्डनेस ज्यादा होगी. एंड समेरियम दैट इज गोइंग टू बी अ हार्ड एफ ब्लॉक मेटल, राइट, इट इज एज हार्ड एज स्टील. और जो समेरियम स्टील्स होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1620 केल्विन. Okay, so these are a few of the chemical properties which you should know. इसके अलावा कुछ आपके books पे और भी दिए हुए हैं, जैसे reaction with acids, acids के साथ react करेंगे तो they are going to liberate hydrogen. ठीक है.
So इसका मतलब कि they are going to जब reduction potentials हम करेंगे तो इन सब की जो reduction potentials हैं they should be lower than hydrogen. That is why they can liberate hydrogen. ठीक है? Then we come to the next property that is solubility of compounds. Now इसकी जो solubility होती है इसको हम compare कर सकते हैं with the solubilities solubilities of alkali metals and alkaline earth metals. जैसे आप alkali metals अगर आपको 11th का याद है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो hydroxides होते हैं जो halides होते हैं उनकी solubility जो है वो increase होती रहती है down the group और जो carbonates होते हैं और sulfates होते हैं उनकी solubility decrease होती रहती है, right? So in a similar manner we say that in this case the salts of fluorides फिर उसके बाद ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स कार्बोनेट्स ओके फिर कार्बोनेट्स के बाद वी हैव फॉस्फेट्स एटसेट्रा फॉस्फेट्स एटसेट्रा they are largely insoluble water. तो ये सारे के सारे जो salts हैं, they are going to be insoluble in water. Okay? Whereas other halides than fluorides, जैसे chlorides हो गए, iodides हो गए, they are going to be soluble. सिर्फ fluorides जो हैं, वो insoluble होते हैं. फिर nitrates are going to be soluble, acetates are going to be soluble. ठीक है? So, जो lanthanoids के ये वाले सारे salts हैं, they are going to be insoluble. Whereas, when we are talking of other halides than fluorides, फिर उसके बाद we have nitrates, acetates and salts of oxoacids. They are going to be soluble. ठीक है? Have you understood? Alright. फिर उसके बाद we have basic character of hydroxides. Basic character of hydroxides. जब हम लोग basic character देखते हैं, तो they all form hydroxides of the type LnOH3, where Ln is representing all the F block elements. ठीक है? They all are ionic and they are going to be basic in character, right? All the hydroxides they are ionic and they are basic in character. So it's a general mistake कि अगर हम लोग compare करें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हम कंपेयर करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिस इज द हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एंड दिस इज द हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 13 ये एस ब्लॉक हो गया ये पी ब्लॉक हो गया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से जो बेसिक कैरेक्टर है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर ठीक है वेयर एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से the basic character that is going to be less, right? अब जैसे-जैसे हम down the group जाएंगे, वैसे-वैसे क्या हो रहा है? The ionic size that is going to increase, तो जैसे-जैसे ionic size increase होगा, basic character decreases. down the group नहीं, along the group लिखो, down नहीं है, इसमें series पढ़ रहे हैं हम, along the group या along the series with increase in size, ठीक है, along the series with increase in size, so this is what, so इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर हम lanthanum hydroxide कर रहे हैं This is going to be the strongest base
ठीक है, प्लैटिनम हाइड्रोक्साइड दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, वेयर एज ल्यूटीटियम हाइड्रोक्साइड दैट इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट बेस. Right? Then we come to atomic and ionic sizes. Atomic and ionic sizes को क्या होना चाहिए? जब हम लोग longer series जा रहे हैं, तो nuclear charge increase कर रहा है. As a result of which, atomic size जो है, that should decrease. ठीक है? This should be the trend. जो कि हम P block में follow कर रहे थे, जो हम B block में भी follow कर रहे थे. But over here, it is seen that whether we are doing lanthanoids or we are doing actinoids. In both the cases, there is not much of a difference in sizes. The reason behind this is lanthanoid contraction. ठीक है? तो lanthanoid contraction के causes हमने करे थे क्या थे? What were the causes? Lanthanoid series में जैसे-जैसे हम बढ़ते जाएंगे, in one series nuclear charge that is going to increase. Okay? But F का जो shielding effect है, that is going to be poor. So because F का shielding effect poor है, तो जब हम दोनों की आप कह सकते हो कि इफेक्ट्स देखते हैं इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज के और पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ के, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द साइज द डिफरेंस इन साइज इज नॉट वेरी मार्क्ड. ठीक है, और इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. डिक्रीज तो होगा साइज बट बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होता है. तो लैंथेनम का एटमिक रेडियस दैट इज द मैक्सिमम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 106 पिकोमीटर्स के करीब होता है, वेयर एज ल्यूटीटियम का जो है दैट इज 89 पिकोमीटर के आसपास. तो हम 89 से लेके 106 पिकोमीटर्स तक सारे के सारे जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर प्लेस्ड. ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की क्या रहती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो डी ब्लॉक की थी, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस. As a result of which ionization energies भी उनकी similar रहती हैं and as a result of which properties भी जो हैं they are going to be similar. ठीक है, so these are the main properties. Then you can write down the uses of lanthanoids. Cerium consists of 30 to 35% of the alloys of lanthanoids. Right? जो इसके alloys होते हैं उनको हम एक special name देते हैं, they are known as mish metals. They are known as mish metals. ठीक है, number 2, 3% mish metal when added to magnesium, 3% mish metal when added to magnesium increases its strength, increases in its strength and is used to make the body of jet airplanes. Used to make the body of jet airplanes. Steel mixed with lanthanum, cerium is used in the manufacture of flame throwing tanks. Is used in the manufacture of flame throwing tanks. So this is all about the F block and the lanthanoids. Let's go on to the next series, जिसपे हम लोग 5F को fill up करेंगे. These are known as the actinoid series, जहाँ पे हम first member जो है, that is going to be actinium, right? अब ये वाले जो है एक्टिनॉइड्स, दे आर वी कैन से 118 एलिमेंट्स तक
हम लोगों ने कर लिया है इसको, पर जो एक्टिनॉइड्स है दे स्टार्ट विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 89 एंड एंड अप एट द एटॉमिक नंबर ऑफ 103, राइट। इसमें जो बीच में हमारे पास आता है एट यूरेनियम ऑफ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 93, तो इसके बाद के 93 से लेके 103 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। यूरेनियम जो है दैट इज रेडियो एक्टिव, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मेटल्स और एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप दे आर गोइंग टू बी रेडियो एक्टिव, तो इनकी जो स्टडी है दैट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट। सम ऑफ द कॉमन मेंबर्स व्हिच वी हैव, द फर्स्ट वन व्हिच इज एक्टिनियम, द सेकंड वन इज थोरियम, फिर उसके बाद प्रोटैक्टिनियम, ठीक है, पी ए प्रोटैक्टिनियम, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरेनियम। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग एक्टिनियम, वी आर स्टार्टिंग विद 89, सो वी हैव 89 90 91 92, सो वी हैव मिस्ड वन, नहीं 92 ही है इसका, 93 नहीं है, 92 93 ऑनवर्ड्स दे आर नोन एज ट्रांस यूरेनियम, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है नेपच्यूनियम, फिर आ गया प्लूटोनियम पीयू, ओके, और फिर उसके बाद एमेरिसियम, राइट। सो ये जैसे जैसे जिस जिस कंट्री में इनको फाइंड किया गया था या डिस्कवर किया गया था, उन सब कंट्रीज ने अपने अकॉर्डिंगली नाम रखे, फिर उसके बाद उनको आईयूपीएसी से अप्रूवल मिला एंड देन दे वर गिवन दीज नेम्स। द लास्ट मेंबर ऑफ दिस, वी आर 14 ओवर हियर, द लास्ट मेंबर विच इज गोइंग टू बी लॉरेंसियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से, इसकी बड़ी कोई वेल स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे यहाँ पे हम लोग एक्टिनियम कर रहे हैं, वी हैव रेडॉन, ओके, एंड 5F0 6D1 7S2, दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट पे जब हम लोग जाते हैं थोरियम, थोरियम में अगेन वी आर गोइंग टू फिल डी ओनली, सो वी हैव रेडॉन 5F0 6D2 7S2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं प्रोटेक्टिनियम में, इन दिस केस यू विल सी दैट बिल्कुल ही डिफरेंट सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे आ जाती है, वी आर गोइंग टू हैव 5F2, ओके, वाई द सेम रीजन की एफ और डी दे आर एट कंपेरेबल एनर्जीज ओवर हियर, सो इलेक्ट्रॉन्स दे कैन कीप जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ठीक है। सो इसकी भी बड़ी वेल डिफाइंड नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जीज भी जब हम इसकी करते हैं कि दे आर गोइंग टू शो द सिमिलर ट्रेंड एज व्हाट हैड शोन द इन द लैंथेनॉइड सीरीज बिकॉज ऑफ इररेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो लोअर वाले मेंबर्स हैं जितने भी ये वाले जो मेंबर्स हैं, पहले वाले मेंबर्स हैं, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जीज आर नॉट वेल डिफाइंड, ओके। वेयर एज जो बाकी के मेंबर्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज दे आर गोइंग टू बी लोअर दैन लैंथेनॉइड्स, व्हाई, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब हम लोग चलेंगे तो दे विल हैव ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एज द लैंथेनॉइड्स। जैसे लैंथेनॉइड्स में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी तरह से यहाँ पे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी जो इसकी हैं बहुत सारी हैं, +2 +3 +4 +6 +7 डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट द मोस्ट कॉमन दैट इज गोइंग टू बी दैट ऑफ +3, ठीक है। ये इससे है ना द बेसिक जो है, जैसे हम लोगों ने कलर किया पिछले वाले में, कलर भी उसी में होगा जिसके पास F के पास इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज गोइंग टू बी कलरलेस, दिस विल बी कलरलेस इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस विल बी कलरलेस इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी सारे कलर्ड है। फिर लॉरेंसियम में जब आप जाते हो तो इट हैज फुली फिल्ड 5F, इन दिस केस डी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग टू बी हाउ मच, 1,
So when we are looking at plus 3 oxidation state over here, again this is also going to be colorless, right? Now they form complexes just like the D block because of empty F which is going to be present. Now let's do a comparative study of lanthanoids and actinoids. This is important. This way we are going to discuss both the similarities as well as the differences. Comparison ka matlab yehi hota hai ki aapne similarities or differences dono dekhne. So let's just do a comparative study of both. Right? When we are doing a comparison study, similarities isme dekhte hai. First of all, the first similarity is that both show plus 3 oxidation state. The most common oxidation state is going to be plus 3. In both the cases, we are filling up F orbitals progressively. Okay? Then third, they have all those lanthanoids and actinoids having same number of unpaired electrons. All those having the same number of unpaired electrons, they have similar spectra. मतलब क्या होगा इसका कि अगर हम इसके ऊपर radiations डालेंगे तो they will have the same kind of diffraction pattern या spectrum. ठीक है? फिर उसके बाद पर same number of unpaired electrons होने चाहिए. Okay? Then fourth, both are both are going to be electropositive, okay, because both can lose electrons due to low ionization energies. Jaise lanthanoid contraction hota hai, usi tarah se uske comparison mein actinoid contraction hota hai. Theek hai? These are the similarities, differences देखो, binding energies जब हम लोग करेंगे, number one, binding energy क्या होता है, जो कि metals को या atoms को bind करके रखेगा, उसमें binding energies of 4F are higher, because of smaller size, ठीक है? Then number two, shielding effect, 4F ka zyada hoga. Again, in this case also, 4F ka zyada hoga 5S se, F se, so lanthanoids ka zyada hoga. Phir uske baad, tendency to form complexes. In this case, agar hum complex formation dekhe, so then actinoids, they have greater tendency to form complexes. Actinoids, they have greater tendency to form complexes. ठीक है? फिर number four, अगर हम basic character देखें, तो hydroxides of actinoids, they are going to be more basic. ये सब हम more लिख रहे हैं, higher वाला. ठीक है? Lower वाला नहीं लिख रहे. फिर उसके बाद रेडियोएक्टिव जब कैरेक्टर देखते हैं तो एफ ब्लॉक जो लैंथेनॉइड्स हैं उसमें कोई गिने चुने ही रेडियोएक्टिव हैं. जैसे सारे लैंथेनॉइड्स में हमारे पास प्रोमीथियम है व्हिच इज गोइंग टू बी रेडियोएक्टिव, वेयर एज ऑल द एक्टिनाइड्स दे आर गोइंग टू बी रेडियोएक्टिव. सो रेडियोएक्टिविटी भी किसकी ज्यादा है? Actinoids, they are going to be more radioactive, or in fact, सारे के सारे जो हैं, they are going to be radioactive in nature. Paramagnetic character, दोनों paramagnetic हैं,
and it is going to depend upon number of electrons. But हम paramagnetic character actinoids का explain नहीं कर पाते हैं because of the radioactive nature of actinoids. ठीक है? So this is all about the chapter. Uses लिखो इसकी actinoids की. ये आपको multiple choice question में आ सकते हैं. Thorium is used in manufacture of thorium is used in manufacture of fine rods for atomic reactors. It is also used in medicines for the treatment of cancer. Number two, uranium salts give green color to glass. Uranium salts give green color to glass. And it is also used for the production of nuclear energy. ये जो atom bomb और nuclear bombs बनते हैं, उसमें uranium use किया जाता है. ठीक है? In the production of nuclear energy. फिर plutonium is fissionable material. Plutonium is fissionable material and it is used in atom bombs. And it is used in atom bombs. So with this we finish our D and F block elements. In the next class, we are going to start with the next last chapter of this book, which is coordinate chemistry. See?